और हाँ, हैप्पी ट्यूसडे, नहीं कल के लिए हैप्पी वेडनेसडे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आता है इसको जरूर दबाइएगा, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। अगर सब्सक्राइब किया है तो ये टिंग 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 वाला बेल बटन आता है इसको जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे, तो मैं ट्यूसडे मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहा है 5:50 और अभी स्वीटी स्कूल जाएगी, तो उसका थोड़ा प्रिपरेशन कर लूँ, क्योंकि उसको तो मैंने उठा दिया, वो वॉशरूम गई है नहाने के लिए। और मैं उसका टिफ़िन बनाऊँगी। आज टिफ़िन मैं बनाऊँगी हल्का सा नूडल्स टाइप का, लेकिन ये मेरी वर्जन है, मैं घर पे बचपन पे बनाती थी इस टाइप का, तो वही मैं शेयर करूँगी। थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा ये। और ये जो नूडल्स है ये ऑर्गेनिक नूडल्स है, इसलिए मैं देती हूँ। नॉर्मली जो नॉर्मल नूडल्स है अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, वो तो ग्रोसरी वीडियो में आपको देखने मिलेगा कौन सा नूडल्स यूज़ करती हूँ। और आज मैं शेयर करूँगी मैं मॉर्निंग में कैसे करके स्पेंड करती हूँ, मेरा मॉर्निंग कैसे करके जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये मॉर्निंग के टाइम शूट करना उतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप सबको ही पता है इस टाइम इतने ही रश रहता है, भागा दौड़ी रहता है। आज मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूँगी मेरी मॉर्निंग कैसे करके निकलता है। सिटी जाने के बाद तो शांतनु का लंच का प्रिपरेशन करना है, तो पहले स्वीटी का टिफिन का प्रिपरेशन मैं कर लूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ क्या क्या करती हूँ मॉर्निंग में। मैं कढ़ाई पे तेल डालूँगी और आलू को फ्राई करूँगी। अब मेरा आलू फ्राई हो चुका है, तो ये मैं निकालूंगी और इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, सनफ्लावर ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसमें डालूंगी करी पत्ता, लेकिन कच्चा डाला जाता है, मेरे पास ड्राई वाला है। और हल्का सा फ्राई हो चुका है, इसमें जो नूडल्स मैंने बॉइल करके रखा था वो डाल दूंगी। और इसमें डाल रही हूँ टोमेटो केचप, सॉल्ट, ये हॉट एंड स्वीट रेड चिली गार्लिक सॉस, ये मैं डाल रही हूँ। और ब्लैक पेपर। और जो आलू फ्राई करके रखा था ये भी डाल दूंगी। अभी मेरा ये बन चुका है, अभी इसको मैं ठंडा करने के लिए दे दूंगी। अभी स्वीटी तो चली गई बस पे, मैंने चढ़ा दिया, अभी घर का बाकी जो काम है वो करना है, और शांतनु का लंच का मुझे टिफिन बनाना है, तो पहले बेडरूम ठीक कर ले, क्योंकि शांतनु अभी स्वीटी के रूम पे सो रही है, वो स्वीटी को उठा के उसके रूम पे सो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लाइट चलता है, उनको नींद नहीं होता है ना। और अभी बज रहा है 6:30, तो अभी मैं पूरी बेडरूम ठीक करूँगी, उसके बाद लंच बनाऊँगी। और देखिए अभी हल्का हल्का जस्ट सुबह हुई है, लेकिन स्वीटी को मैं जब छोड़ने गई तब तो और भी अंधेरा अंधेरा था। ये देखिए, देखिए ना, एकदम उतना सुबह अभी तक नहीं हुआ, मुंबई पे थोड़ा लेट करके होता है। किचन का टावल वहाँ पे रखना भूल गई, तो अभी किचन टावल लेने आई हूँ। और बाप रे, इतना गर्मी है ना मुंबई पे, क्या बोलूँ, चिपचिपा वाला गर्मी, कोयल आवाज दे रहा है, सुनाई दे रहा है, चले। और अभी मैं किचन पे आई हूँ, और शांतनु के लिए भी टिफिन बनाना है, तो वही नूडल्स जो है वो बना दूंगी, सिर्फ थोड़ा कैप्सिकम डाल के,
और कड़ी पत्ता नहीं डालूंगी, अभी तो बना के रखती हूँ, पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे, देखती हूँ। अभी शांतनु अभी तक नहीं उठे, अभी 7:15 बज रहे हैं। और अभी मैं शांतनु के टिफिन के लिए पुलाव बनाऊंगी जो मिक्स वेजिटेबल डाल के, तो मैंने सब्जी काट लिया और शांतनु का चाय भी बन गया। जो पुलाव है वो मैं कैसे करके बनाती हूँ दिखाती हूँ। अभी मेरा पैन गर्म हो चुका है, इसमें मैं ऑलिव ऑयल डालूंगी। अनियन को मैंने स्लाइस करके रख दिया, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अनियन हल्का सा फ्राई हो चुका है, हल्का सा जस्ट फ्राई करना है। उसके बाद मैं सारी सब्जी, कॉलीफ्लावर, मटर, गाजर और बीन्स मैंने लिया, ये सारे मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मैं अभी सॉल्ट भी डाल दूंगी थोड़ा सा। सब्जी हल्का सा पक चुका है, इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच के जैसा ये डाल दूंगी। इसको अभी भूनना है और जब लगे जिंजर गार्लिक भून चुका है और उस टाइम पे मैं डालूंगी पुलाव मसाला। ये मैं प्योर एंड श्योर का पुलाव मसाला यूज करती हूँ, सारे मैं ग्रोसरी वीडियो में डिटेल्स में दे दूंगी। 3 चम्मच स्वीटी का टिफिन बना रही थी उस टाइम पे मैंने राइस भिगो के रख दिया था, ये पुलाव राइस होता है छोटा वाला राइस, और ये मैं डाल दूंगी। और मैंने ये कटोरी में 1 कटोरी राइस लिया था, तो मैं 2 कटोरी पानी डालूंगी, थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी क्योंकि राइस है, पहले तो मैंने ऑलरेडी सॉल्ट डाला था। और अभी ये मेरा बॉयल आ गया, अभी गैस धीमी करके इसको ढक दूंगी 10 मिनट के लिए। और अभी मेरा 10 मिनट हो चुका है, देखिए पानी एकदम रिड्यूस हो चुका है, गैस को ऑफ कर दूंगी, लेकिन अभी तुरंत मैं इसको नहीं हिलाऊंगी नहीं तो राइस टूट जाएगा। अभी मैं जो पुलाव है वो हिलूंगी, 10 मिनट के बाद इसको मैं ओपन कर रही हूँ नहीं तो टूट जाते हैं। और शांतनु के टिफिन जो है वो मैं पैक कर लूंगी। आइस तो मैंने हल्का सा ठंडा करने के लिए दे दिया क्योंकि उसका जो ये टिफिन बॉक्स है इसके अंदर गर्म होता है क्योंकि यहाँ पे प्लग पॉइंट रहता है, तो इस हिसाब से गर्म करके ही ऑफिस में खाते हैं, तो मैंने अभी थोड़ा सा ठंडा करके दे दिया क्योंकि ले जाने में भी इजी होगा। और अभी फ्रूट्स मैंने ग्रेप्स दिया और एक ऑरेंज, और बटर मिल्क बनाऊंगी अभी। और इसमें डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला साउथ इंडिया का। और अभी शांतनु तो ऑफिस चले गए और अभी मेरा काम शुरू होगा। मैंने सुबह से सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके पानी पिया था, हाफ बॉटल, और अभी 8 बज गया, तो अभी मैं गर्म पानी बनाऊंगी और एप्पल सीडर विनेगर वो पीऊंगी। और मैं ये ऑर्गेनिक इंडिया का एप्पल सीडर विनेगर यूज करती हूँ, ये विद मदर है, ये वाला मुझे अच्छा लगता है। और मैं ये 15 ml मतलब 1.5 टीस्पून मैं लूंगी गर्म पानी में।
और मैं अभी एप्पल साइडर विनेगर इतना सा पीऊँगी और थोड़ा पानी पीऊँगी, और मैंने तेल भी लगा लिया क्योंकि बहुत सर गर्म लग रहा था और नहाना है। तो अभी ये पीते पीते मेल भी जो है वो सारे मैं चेक कर लूँगी। दो दो काम एक साथ करना पड़ता है तभी ना। और अभी मैं नहा के भी आ गई और सर थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है क्योंकि सुबह से इतना भाग दौड़ी होता है ना, तो नहाने के बाद लगता है हाँ फ्रेश हो गई। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, अभी 9:05 हो गया, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट में आज सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स और दूध लूँगी, और अभी दूध भी मैं गर्म करने के लिए दे दूँगी। अभी मैं एक डिटॉक्स वाटर बना के रख दूँगी ताकि मैं दोपहर में पी पाऊँ, क्योंकि कल रात को मैं डिटॉक्स वाटर बनाना भूल गई थी। होता है ना किसी किसी दिन भूल जाती काम के चक्कर में, तो मैं सुबह में करके रखूँगी, 5 घंटे के बाद मैं उसको पीऊँगी दोपहर में। और अभी एक टुकड़ा मैं दालचीनी का ग्राइंड हल्का सा कूट लिया, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और ये जो डिटॉक्स वाटर है ये मैं दोपहर को पीऊंगी, इसलिए यहाँ पे रख देती हूँ, याद रहता है। और मैंने ब्लैक कलर की जो सीड लिया ये चिया सीड है, चिया सीड हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो हेल्थ के लिए कैसा है। और अभी मैं स्वीटी का रूम का जो बेडशीट है वो चेंज करूंगी। और अभी मेरा पूजा भी हो गया और अभी मैं थोड़ा बैठी हूँ तरबूज लेके क्योंकि एनर्जी भी चाहिए ना, और अभी गर्मी के टाइम ये सब जितना हो सके आप लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा है। और मुझे तो वाटरमेलन बाहर में बिकता है ना, देख के मुझे लगता है खाओ खाओ, पता नहीं बाहर में इसीलिए शांतनु बहुत गुस्सा हो जाता है कभी कभी, बोलते हैं घर पर जब फ्रूट्स रहते हैं तुम तो खाते नहीं हो, और बाहर में फ्रूट्स वाले के पास कटा हुआ फ्रूट्स देखते हो और बोलते हो खाने का मन कर रहा है, तो लेकिन बाहर पे नहीं खाती हूँ ना, तो मैंने सोचा नहीं अभी खाना ही है क्योंकि ये वाटरमेलन 2 दिन से पड़ा हुआ है, तो इसको नहीं खाऊंगी तो बेचारा स्पंज हो जाएगा, तो मैं ये थोड़ा खा लूँ। और अभी कितना बज रहा है, 11 बज गया, बहुत मीठा है अभी का वाटरमेलन, बहुत मीठा होता है। और आप लोगों का कमेंट्स का भी अभी थोड़ा रिप्लाई दूंगी, नहीं तो बहुत सारे कमेंट्स जम जा रहा है जैसा होता है ना बोरी में कुछ खजाना जम जाना जैसा, तो वो तो सारे मुझे देखना है ना, तो अभी एक्चुअली टाइम भी नहीं मिल रहा है इस वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं धीरे धीरे सब देखूंगी। और कल तो मेरी मम्मी आ रही है तो अभी उस वजह से मैं भी थोड़ा बिजी होंगी, कल शूट कर पाऊंगी या नहीं पता नहीं, तो मैंने सोचा आप सबको इन्फॉर्म कर दूँ ना, इसलिए थोड़ा हैप्पी हैप्पी ज़्यादा लग रहा है। और मम्मी तो बहुत सारी मिठाई ला रहे हैं अब मुझे मोटा करने के लिए, और भी मिठाई खाओ, लेकिन क्या करें मम्मी ला रही है और वो भी हमारे वहाँ का मिठाई, देख के पता नहीं कितना कंट्रोल कर पाऊँगी, थोड़ा जितना भी वेट कम हुआ तो शायद पता नहीं, कोशिश करूँगी जितना हो सके कंट्रोल करने के लिए। वीक पॉइंट बोल सकते खाने में अगर कोई है तो वो है मिठाई, स्वीट मतलब मना कर दोगे ना तो मेरा बहुत सरसर फील होता है पता नहीं क्यों।
और अभी मैं बैठी हूँ स्वीटी के रूम पे, जो कपड़ा सूख गया वो ठीक करना है, फोल्ड करके रखना है। आप सबको तो पता ही है सबसे खतरनाक काम लगता है मुझे, सबसे ज्यादा है, सारे खतरनाक काम से भी ज्यादा ये। लेकिन क्या करे, करना तो पड़ते है। और पूरी देखो, एक पूरी बकेट होता है रोज, पता नहीं इतने कपड़े कौन पहनता है, खुद ही पहनती हूँ इसलिए क्या करे। तो अभी ये मैं कर लूँ क्योंकि अभी बज रहे हैं 12:15 और एक वीडियो रिलीज भी करना है अभी, कि जितना हो पा रहा है उतना कर लूँ, देखती हूँ उसके बाद अगर 15 मिनट में नहीं हो पाएगा, फास्ट करना पड़ेगा। स्वीटी के रूम पे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो 3 बाथरूम का रेनोवेशन का काम हुआ था, रेनोवेशन तो हो गया था लेकिन पेंटिंग नहीं हुआ था। तो आज जो पेंटर है मेरा, जो पेंटिंग का काम करता है, वो आज आया है और पेंटिंग कर रहा है, तो इसलिए मैं ये घर पे आज बंद हूँ। क्या कर रहे हैं, मेरा कितना दिनों से चल रहा है सचमुच, लग रहा है भाग जाऊं और ये पेंटिंग हो जाएगा तो बस, और तो कुछ नहीं, बस और तो किसी को घुसने भी नहीं दूंगी। क्या कर रहे हैं, और अभी मैं एक वीडियो पब्लिश करके आई तो ये छोड़ चाके गई थी, तभी फिर से शुरू करो ना, तभी खत्म होगा। और मेरा कपड़ा ठीक करना हो गया, बकेट में भर के रख दिया, तो स्वीटी का मैंने रख दिया उसका अलमारी पे, और मेरा जो कपड़ा है मैं बाद में रूम पे जाके रखूँगी। तो अभी आप लोगों का सिर्फ कमेंट्स का रिप्लाई दे रही हो, कितनी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, हैप्पी लगता है सचमुच, हैप्पी लगता है। और अभी बज रहा है 12:30 बज गए, पता भी नहीं चलता, घड़ी घूमता रहता है ऐसा ऐसा करके, तो पहले ये काम कर। और देखिए स्वीटी आ गई, मॉर्निंग स्कूल हो गया, अभी बज रहा है, कितना बज रहा है, 1:20, और अभी स्वीटी नहा के खाना खाएगी, और खाना खा के थोड़ा सोती है, अभी रोज ही सोती है। तो आज का व्लॉग मैं इसी तरह से आप सबके साथ शेयर किया, मॉर्निंग मेरी रूटीन कैसे करके अभी जा रहा है, अभी का मॉर्निंग रूटीन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक बटन का तो नीचे होता है, वो तो आप सबको पता है, मेरे सारे फ्रेंड्स को पता है। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब का एक बटन आता है उसको क्लिक कीजिएगा और हो जाएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, हैप्पी ट्यूसडे, नहीं कल के लिए हैप्पी वेडनेसडे।